इनको क्या समझना था ना। नहीं, अब देखिए, आप बताइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई फर्क है क्या? ऑल आर सेम कॉइन ऑफ द यू नो डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अच्छा, ये देखिए कि माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी डिमोनेटाइजेशन लेके आए, लेके आए कि नहीं लेके आए, राइट? क्या हासिल हुआ उससे? उससे जो जो दलीलें दे रहे हैं कि भाई वो टेरर में जो पैसा होता था वो रेन इन किया कहाँ, मतलब कोई हासिल नहीं हुआ ना नहीं, मैं तो उसमें। दूसरे तरीके से कह रहा हूं कि लेट देयर बी डीमोनेटाइजेशन विद द डिफरेंट मॉडल, राइट? हाँ आपने जनधन योजना के तहत सभी लोगों के बैंक अकाउंट खुलवा दिए थे, राइट? सभी लोगों को डेबिट कार्ड जारी कर देते, राइट? हाँ आपने जिन लोगों के अकाउंट नहीं खोले थे उनके अकाउंट खोल लेते, कोई वो भी बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है? कोई वेदर इट वॉज दैट डिफिकल्ट। नॉट फिर जो है जिसके पास जितना हो, किसी के पास कई करोड़ हो तो कई करोड़ एक बार में जमा करा दिए तो आपको लाइन लगाना पड़ती है, नहीं लगाना पड़ती है? आज जहां चाहते वहां एटीएम से आपको जितने जितना भी बंधन सरकार को रखना था उतना निकाल सकते थे, राइट? और फिर निकालने की भी क्या जरूरत है? आप अपने डेबिट कार्ड का जो है इलेक्ट्रॉनिकली यूज करके, अपने क्रेडिट कार्ड का इलेक्ट्रॉनिकली यूज करके जो भी पेमेंट आपको करना है वो आप कर सकते थे, जो चाहते थे वो खरीद सकते थे। इसका मतलब है कि सोच कुछ दूसरी थी, राइट? सोच जो है इतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई जा रही है। अच्छा देखो, मैं दूसरी एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि जब आर्टिकल 370 को हटाया तो पूरे देश ने जो है ना मोदी को अपने सिर पे बिठाया, बिठाया कि नहीं बिठाया? फिर उसी कश्मीर में, आप तो आर्मी में रहे हैं, उसी कश्मीर में बैकेंड से आर्टिकल 370 ना कह के दूसरे नाम से एक डोमिसाइल व्यवस्था ले आई गई है। वो डोमिसाइल व्यवस्था कहती है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए 15 साल वहां रहने की जरूरत है, राइट? और जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसे ही जम्मू एंड कश्मीर में जॉब मिलेंगे। इसका मतलब है बैकएंड से आपने जो कश्मीरी वगैरह जो पहले थे और अभी जो वहां नहीं रह रहे हैं उनको आपने एक बार से फिर से डिप्राइव कर दिया पूरी तरह से। तो किया ये बैकएंड से आर्टिकल 370 नहीं आ गया, क्या मजबूरी है? आप ये देखिए, जिन लोगों को प्रोजिक्यूट करना चाहिए था फॉर द फिसी प्रस टेंडेंसी, जिन्होंने मजदूरों मस्जिदों से जो है ना बाकायदा धमकियां दी, लोगों को रोड पे मारा, रेप किया, और लगातार जो है जो कि विघटनकारियों शक्तियों के हिस्सा रहे हैं, इसके साक्ष्य अवेलेबल हैं, उन्हीं विघटनकारी शक्तियों को क्यों सपोर्ट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एक अपनी पार्टी बनाई गई है जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे का समय अपने आवास पे दिया है? आप ये बताइए कि इन्होंने इनको नजरबंद किया था, उसमें जितनी भी सुविधाएं अपने घरों में ही नजरबंद थे, जिसमें जितनी भी A+ क्वालिटी की सुविधाएं इनको दे सकते थे वो सब दी गई थी। मतलब 5-स्टार फैसिलिटी होती अपने घर में जो भी सुविधाएं होंगी थोड़ा सा उसी में प्लस कर दिया गया होगा, ठीक है ना? एंड इसके बाद जब जो है आपको कानूनी तौर पे उसको नेक्स्ट टर्म के लिए एक्सटेंड किया गया, उसके 3 दिन के अंदर ही इन राष्ट्रीय द्रोहियों को क्यों नजरबंद से भी बाहर कर दिया गया? इसका मतलब है कथनी और कहनी में बहुत फर्क है। सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ये बताइए कि जब देश का जो ना अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि देश के चपरासी बनने के लिए आपके पास शिक्षा भी होना चाहिए और आपके पास सच्चरित्र भी होना चाहिए, तो फिर क्या वजह है कि आप जो है नेताओं के लिए कानून नहीं बना रहे हैं? हाँ, तो उनकी पेंशन आप बंद नहीं कर रहे हो, उनके लिए सैलरी जब घनी बढ़ा देते हो, मैं वही उनकी कह रहा दुनिया हूं भर कि का एक्सपेंडिचर देखिए, मैं उनके आपको बहुत ऊपर छोटी हो सी रहा है। बात कह रहा हूं जो कि मुझे बड़ा पेन करती है। आपने 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बंद कर दी है। जो भी जो PFEF में डाल रहे हैं पैसे, वो कब कौन दुष्ट ले जाए, भाग जाए, स्कैम स्कैम कर दे और इनको डोनेशन दे दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। यस दे कैन रन। इसका मतलब है ये जो एम्प्लॉयज हैं
ये सब जो है पेंशन के बाद इनका क्या होगा, जैसे प्राइवेट सेवा में लोग रहते थे ऐसे ही चिंता पालें, वैसे ही होगा। और अपना पेट पालने के लिए आप अभी से भ्रष्टाचार करिए और भ्रष्टाचार करने के लिए कोलाबरेट करना करिए, यही आपकी सोच है। हाँ तो दे आर कंपेल्ड टू इंडल्ज इन टू करप्शन इनडायरेक्टली। आप ये बताइए कि जो है एक दिन यदि आप किसी भी जो है असेंबली के या पार्लियामेंट के यदि एक दिन भी सदस्य रहते हैं तो भी आपको पेंशन का हक है। और माननीय जो अजीत जोगी जी हैं वो जो है तीन तीन जो है उसका वो कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि कैसे कैसे काम चलेगा ये बताइए। हाँ इनका अपने मोदी जी ने मतलब पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कह लो या ऑनेस्ट पर्सन है तो अपने एटलीस्ट दे शुड हम नमो नमो कर रहे हैं लेकिन आप ग्राउंड पे तो वही टुच्चाई कर रहे हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। सब बुरी हालत है इससे, बट क्वेश्चन इज हाउ टू यू नो कैसे देश का कल्याण कैसे होगा, दैट इज द क्वेश्चन ना। उसका है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन करिए, अपनी सामर्थ्य से जो ना लोगों को समृद्धशाली बनाइए, इट विल बी ए ज्वाइंट वेंचर काइंड ऑफ ए सिस्टम जिसको मैंने बाकायदा बड़े डिटेल में समझाया है, कई वीडियो में आप देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें। मैंने समझा काफी, तो दैट इज व्हाट मैंने वो उसको ज्वाइन करने के लिए जो आपने लिंक भेजा था उसमें लॉग इन किया। नहीं नहीं ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं सब्सक्राइब बटन आई क्लिक देन इट आस्क फॉर लॉग इन आई डी, यू नो वो तो आपके अपने यूट्यूब की लॉग इन आई डी है, वो तो आपका इंटरनल मैटर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस वो आपका इंटरनल मैटर है ये, और यूट्यूब जो है ना आपने किस आई डी से जुड़े हैं आप उससे उससे क्राइम फ्री भारत का कोई लेना देना नहीं। नहीं तो जो आपने मेरे को भेजा था, जो आपने लिंक भेजा था ना उसमें मैंने सब्सक्राइब में क्लिक किया तो वो उसमें आपकी आईडी मांगी है जो आपकी अपनी आपकी आईडी मांगी। यस तो मैंने योर ओन आईडी, उससे उससे क्राइम फ्री भारत की आईडी नहीं चाहिए उसे। हाँ है ना, अच्छा ओके, मतलब जो जिस नाम से आपने अपनी आईडी रखी होगी ना वो वाली आईडी मांगी, आपकी अपनी आईडी मांगी है, हमारी आईडी नहीं। अच्छा वो जो है ना आप फेसबुक से कर सकते हैं, आप गूगल अकाउंट से कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ओके ओके, तो आप यू कैन एंटर विद एनीथिंग, तो वो आपके उसमें रजिस्टर हो जाएगा कि आपने इसे सब्सक्राइब किया है, बट इट इज बिटवीन यू एंड यूट्यूब। इसका जो है ना क्राइम फ्री भारत चैनल से कोई लेना देना नहीं, वो आपको जो है ना घुसने नहीं दे रहा है बिकॉज इट वॉन्ट्स योर आइडेंटिटी। कौन? यूट्यूब, क्राइम फ्री भारत नहीं। ठीक है ना, और नहीं तो हाउ टू गेट कनेक्टेड टू क्राइम फ्री भारत सीबीसी? क्राइम फ्री भारत का एक तरीका यही है कि आप जो है सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज दीजिए कि देखिए ज्वाइन करिए कुछ करने के लिए, राइट? तो आपको अपनी भूमिका खोजना पड़ेगी कि मैंने इस बात को समझा है और दिस इज द वे आई वांट टू कंट्रीब्यूट। ओके अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम हर बार 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 कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लोर योर ओन रोल। आप जो ना ये क्यों चाहते हैं कि सरदार भगत सिंह जो है वो पड़ोस के घर में पैदा हो, आप हमारे घर में पैदा क्यों ना हो, हम खुद ही सरदार जो है ना भगत सिंह क्यों ना बन जाएं? जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं उसके संवाहक, उसके टॉर्च बीरर और उसके जो है पार्टिसिपेट हम स्वयं क्यों ना करें उसमें, क्योंकि ये जो ज्वाइंट वेंचर मैं मैंने आपका जो ये है ना, हाँ मैं हमारा एक ग्रुप है राष्ट्रीय संवाद। ओके, इन दैट वेरी लर्नेड पर्सन हु अपीयर ऑन टीवी डिबेट, बेसिकली डिफेंस एक्सपर्ट्स, आर्मी ऑफिसर नहीं। लेकिन हम बताएं जैसे आपके जो है ना कर्नल बख्शी जो है ना जनरल बख्शी को छोड़ के अधिकांश लोग तो डिप्लोमेटिकली करेक्ट बातें करते हैं, डिप्लोमे पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते हैं। हाँ इसको डिप्लोमेटिक कहते हैं, डिप्लोमेटिकली करेक्ट बातें करते हैं, इसका मतलब है कोई नाराज ना हो, कोई सुनना ले, कोई देख ना ले। यहाँ पे तो अपन ये बात कहते नहीं, अपन तो नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं आप गलतियां कर रहे हो, आपने आपको पूरे देश ने जो है ना अपने सिर पे उठाया,
इतनी तकलीफ जो है ना डिमोनेटाइजेशन वगैरह में झेली, आपकी नियत क्या थी, आपने उसे ठीक ढंग से क्यों नहीं किया, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की उनको जो है ना आपने प्रोजीक्यूट क्यों नहीं किया, ये आपकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं तो जो है ना अंतर दिखाता है। आप मुझे ये बताइए कि जो वो रिपब्लिक टीवी वाला पूछता है कि देश जानना चाहता है, उसका रिपब्लिक टीवी जो है ना नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछता है कि देश जानना चाहता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, देश जानना चाहता है कि आपने इसको इस तरीके से क्यों नहीं किया, देश जानना चाहता है कि लोगों के पास से करोड़ों रुपए का माल मिला जब लोग लाइन लगा के 4,000 रुपए जो है ना के लिए लाइन लगाते थे, देश जानना चाहता है कि जन धन योजना के तहत आपने सभी के अकाउंट खुलवा दिए थे, फिर अपना पैसा जमा करने के लिए भी एक बार लाइन लगाना पर्याप्त होना चाहिए थी, बार बार 4,000 रुपए निकालने के लिए तो कहीं भी एटीएम एटीएम से निकाल सकता था। मतलब आपने उसे बाध्य क्यों किया, मतलब ये तो जो है ना इतनी तकलीफ दी, अपने आप को बहुत अच्छा कहलवाया जबकि उसको कहीं ना कोई षड्यंत्र था, और जो पैसे वापस आए वो इतने ज्यादा आ गए कि जितनी मनी ऑफिशियली सर्कुलेशन में थी उससे ज्यादा पैसा आ गया, उससे ज्यादा जमा हो गया, तो फिर इसके लिए तो दीज आर द थिंग्स जो है विच हैज टू बी रियली थॉट ऑफ। तो कर्नल राठौर आप जरा इसमें अपने आप को देखिए कि आपकी क्या भूमिका हो सकती है और उसको ज्वाइन करिए। सीन सर सीन, बट मेरा सर एक रिक्वेस्ट है कि यू आर अपीयरिंग इन टीवी चैनल समवेयर, एक आध बार किसी ने बुलाया था तो मैं चला जाता हूँ, बिना बुलाया तो मैं कहीं जाता नहीं। अच्छा, नहीं तो देखो बेसिकली जो है ना ये जो जो टीवी चैनल्स हैं ये किसी ना किसी के द्वारा खरीदे हुए हैं, उन्हीं के माउथ पीस हैं, ये नहीं है, बहुत सही है, यू आर राइट, ये पॉलिटिशियन के चैनल होते हैं ये, तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई देखो अपनी बात आप जन जन तक सीधे पहुंचाओ ना, सोशल मीडिया से वायरल होना चाहिए ना इन्हें, राइट, फिर अपनी अपनी यूट्यूब चैनल पे ही अपन डिबेट कर लेते हैं ना, दो तीन जो अच्छे लोग हैं जिनको आपको लगता है अच्छे उनके नाम भेजिए, उनको हम लिंक भेजते हैं, अपन चर्चा करेंगे, हम इनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहे, यहाँ इनका तो जो है ना मुंह बना हुआ है, किसी का समय बंधा हुआ है कि आप 2 मिनट बोलिए, आप 3 मिनट बोलिए, कोई जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भ्रष्ट जो है ना पत्रकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश को कोई रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, क्या कहना है आपका, तो मैं वही कह रहा हूँ, हम तो ये अब इस पे व्यवस्था पे आ गए हैं कि हम जो है स्केर्सिटी मॉडल से अबंडेंस मॉडल पे जा सकते हैं, केवल जो है ना अच्छे लोगों को मिलना है और किनको, हाँ ठीक ठीक है, चलिए तो मैं जो है आपसे बाद में बात करता हूँ, आपने जो है ना फोन किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नहीं नहीं सर, आप इस पूरी प्रक्रिया में ये देखिए कि आपकी क्या भूमिका हो सकती है, यस यस, आपके मित्रों की क्या भूमिका हो सकती है, यदि आपका कोई ग्रुप है जिसमें आप सोचते हैं बड़े लोग हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनसे पूछिए कि यदि कोई हमसे संवाद में आना चाहता है तो हम लाइव उनसे पहले पहले पूछ लूंगा, हाँ उनसे जो जो जिनमें गूदा है, अधिकांश लोगों में तो गूदा नहीं है, उन्होंने नौकरी के दौरान भी चाटकर्ता किया, उसके बाद भी जो है ना वो चाटकर्ता में ही खुश रहना चाहते हैं, उनकी वो नेचर ही बन जाती है, ठीक है ना, तो यदि किसी में दम है तो पूछ लेना कि हमारे डीजी साहब पूछ रहे हैं कि यदि किसी में दम हो तो आप उससे चर्चा करेंगे क्या, यहाँ दम वाले व्यक्ति चाहिए, यहाँ पे जो है ना चाटकर्ता वाले व्यक्ति नहीं चाहिए, नॉलेज वाले नहीं, देखिए नॉलेज नॉलेज वो जो कि जन कल्याण के काम आए, नॉलेज जिससे कि नेशनलिज्म पैदा हो, नॉलेज जिससे कि जो है ना अच्छे विचार पैदा हो, नॉलेज वो जिससे स्केर्सिटी से हम अबंडेंस में पहुंच पाए, आपका नॉलेज जो है ना बघारने के लिए, आपका कद बढ़ाने के लिए, तो ऐसे नॉलेज को नहीं चाहिए, वो अपना कद बढ़ाते रहिए, अपने हमें आप में कोई रुचि नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आप अपनी भूमिका इसमें देख पा रहे हैं तब हमसे जुड़िए, यदि आप इसमें अपनी भूमिका नहीं देख पा रहे हैं तो आपको जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, यस यस, तो हमारी ये बात आप जन जन तक पहुंचाइए, ठीक है सर, राइट राइट, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।